फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में 90% ऐसे इवेंट या ऐसी बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन 10% ऐसे इवेंट या ऐसी बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और 10% बातें या इवेंट जो हमारे कंट्रोल में होती हैं उन पर हम 90% टाइम क्या रिएक्ट करते हैं और कैसे एक्शन करते हैं, ये चीज डिपेंड करती है कि हमारी सक्सेस कितनी बड़ी होगी, हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, हमारी फैमिली कैसी होगी और हमारे मिलने वाले हमारे बारे में कैसा सोचेंगे। ये सारी बातें इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि जो बातें हमारे कंट्रोल में हैं हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र चावला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए और नीचे लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी बातें हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा बिलीफ। हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम सफल होंगे तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड सुख में कैसा है, दुख में कैसा है, खुशी में कैसा है या परेशानी में कैसा है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और उसी से हम अपनी लाइफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है हमारी थॉट्स, हमारे विचार। हम कैसे विचार रखते हैं और अपने आप से क्या बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और चौथा पॉइंट है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का नजरिया। इसके बारे में एक कहावत है कि हम कैसे देखते हैं कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, परेशानियों को कैसे देखते हैं, एज अपॉर्चुनिटी या एज बर्डन, इस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। पांचवा पॉइंट है हाउ ऑनेस्ट यू आर, आप कितने ईमानदार हैं अपने प्रति और दूसरे के प्रति। सिक्स पॉइंट है आपके दोस्त कौन है। ऐसा कहा गया है कि आपके आसपास जो 5 लोग होते हैं उन 5 लोगों की सक्सेस का एवरेज आपकी सक्सेस होती है, यानी कि आपके दोस्त कैसे हैं इससे डिटरमाइन होता है कि आपकी सक्सेस कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आप बुक्स कैसी पढ़ते हैं, क्या आप रीडर हैं, आप रीडर हैं तो आप किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, इससे भी आपकी लाइफ पर बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितने टाइम एक्सरसाइज करें, और अपने शरीर को सही रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। नाइन्थ पॉइंट है आप किस तरीके का खाना खाते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ये भी हमारे कंट्रोल में है और हम अपने हिसाब से अपने खाने को सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से हमारा तन बनेगा और वैसा ही हमारा मन बनेगा। टेंथ पॉइंट है आप किस तरीके के रिस्क लेते हैं। मोस्टली लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, लेकिन जिस तरीके के आप रिस्क लेंगे आपकी लाइफ वैसे ही बनेगी। अगर गलत रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आपको मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर आप व्यापार में हैं या किसी जॉब में हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा जो कि कैलकुलेटिव हो, और ऐसे रिस्क लेकर ही आप सफल हो सकते हैं, तो ये भी आपके कंट्रोल में है। 11th पॉइंट है आप सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, या जो भी स्थिति आती है अपने माइंड को आप क्या मैसेज देते हैं और किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये भी आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट है आप कितने दयालु हैं। दयालु होना, काइंड होना दूसरों के प्रति, यह भी एक गुण है और यह भी आपके अपने कंट्रोल में होता है, तो आप कितने दयालु हैं दूसरों के प्रति और अपने प्रति, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपकी सक्सेस किस तरीके की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आप कितनी बार कहते हो आई थैंक यू, कितनी बार लोगों का धन्यवाद करते हैं, कितनी बार भगवान का धन्यवाद करते हैं, कितनी बार अपनी सिचुएशंस को धन्यवाद करते हैं कि हम अच्छी स्थिति में हैं, भगवान ने हमें इस स्थिति में रखा है, ये भी हमारे अपने कंट्रोल में है और इसी से हमारी सक्सेस डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं या नहीं। हमें अगर किसी ने मदद की है तो क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, या
भगवान ने हमें जो स्थिति दी है, जैसी जिंदगी दी है, क्या उसके प्रति हम धन्यवाद करते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप लोगों को जज करते हैं? कई बार हम लोगों की स्थिति को जाने बिना जज करते हैं। ये हमारे कंट्रोल में है कि हम लोगों को किस तरीके से जज करें और कितना जल्दी जज करें। किसी को जज करने से पहले हमें उसकी पूरी परिस्थितियां जान लेनी चाहिए, तभी उसको जज करना चाहिए, और यह चीज भी हमारे कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप लोगों को एप्रिशिएट करते हैं? लोगों को एप्रिशिएट करना एक आदत है, यह हर व्यक्ति नहीं कर पाता और उसके लिए हम्बल होना बहुत जरूरी होता है। तो यह भी आपके कंट्रोल में है कि आप कितना लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, और ये एप्रिशिएट करना ही आपकी सक्सेस को भी डिटरमाइन करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपको सफलता मिले तो आप कैसे खुश होते हैं, और अगर असफलता मिले तो आप उस असफलता से उबर के कितनी जल्दी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, उस सेटबैक को कितनी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, इस बात पर भी आपकी सफलता निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये वो पॉइंट हैं जो सारे के सारे हमारे अपने कंट्रोल में हैं, और इनके ऊपर हम 90% टाइम कैसा रिएक्ट करते हैं, इस पर भी हमारी सफलता निर्भर करती है। थैंक यू।